नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? हमारा सेकंड क्वेश्चन हैव यू सीन, देखिए यहाँ करती हूँ मैं आपके लिए, हैव यू सीन ए पोटर वर्किंग विद क्ले, हैव यू सीन ए पोटर वर्किंग विद क्ले, ही मेक्स द पोट्स, ही मेक्स द पोट्स फ्रॉम क्ले एंड ड्राई देम इन सन, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। नाउ टू Now to make them harder, he bakes the pots. ठीक है, tell the change involved in baking of pots. पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन के अंदर ये कहा जा रहा है कि क्या तुमने कभी किसी पोटर को क्ले के ऊपर वर्क करते हुए देखा है? ठीक है, वो क्या करता है, पोर्ट्स बनाता है क्ले से, ठीक है, वो क्या करता है क्ले से पोर्ट्स बनाता है और उन्हें ड्राई करता है किसके अंदर, सन के अंदर, ठीक है, तो कौन सा चेंज है वो, ठीक है, उन्हें हार्डर, फिर क्या होता है उन्हें और ज्यादा मजबूत करने के लिए, ठीक है, वो उन पोर्ट्स को क्या करता है, बेक करता है, ठीक है, और हार्ड करने के लिए वो पोर्ट्स को क्या करता है, बेक करता है, तो अब कौन सा चेंज इन्वॉल्व होता है, ठीक है, पोर्ट्स की बेकिंग के अंदर कौन सा चेंज इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो देखो इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं बेटा, हमने दो तरह के चेंज पढ़े हैं, एक हमारा है रिवर्सिबल चेंज और एक हमारा है इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है, तो देखो जब वो पोर्ट्स को क्ले कर रहा है, ठीक है, जब वो उसे शेप दे रहा है, ठीक है, तो वो आपका कौन सा चेंज रहेगा बेटा, रिवर्सिबल चेंज रहेगा, ठीक है, वो आपका कौन सा चेंज रहेगा, रिवर्सिबल चेंज रहेगा, जहां पे पोटर क्या कर रहा है, क्ले को शेप दे रहा है किसके लिए, पोर्ट्स को बनाने के लिए, ठीक है, पोर्ट्स को बनाने के लिए जब पोटर जो है क्ले को शेप्स दे रहा है उस टाइम पे जो आपका चेंज रहेगा वो कौन सा रहेगा बेटा, इरिवर्सिबल चेंज रहेगा, ठीक है, उस टाइम पे जो आपका चेंज रहेगा वो कौन सा रहेगा, इरिवर्सिबल चेंज रहेगा, ठीक है, क्योंकि मोल्ड को क्या किया जा सकता है, वापस से क्ले के अंदर सेटबैक किया जा सकता है बिना कोई एंड प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, लेकिन जब वो पोट को बेक कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो आपका चेंज होगा वो कौन सा रहेगा बेटा, इरिवर्सिबल चेंज रहेगा, क्योंकि वो वापस नहीं आ सकता वो अपनी ओरिजिनल शेप में, चाहे वो टूट भी जाए ना तो भी वो किसके अंदर नहीं आएगा, अपनी ओरिजिनल उसके अंदर वापस नहीं आ सकता है, ठीक है, तो ये फर्क होता है बेटा क्ले को मोल्ड करने में और क्ले को बेक करने में। बेक करने का मतलब क्या है, हमने उसे हीटिंग देके क्या कर दिया है, हार्ड कर दिया है, ठीक है, हमने उसे हीटिंग देके क्या कर दिया है बेटा, हार्ड कर दिया है, देखो क्या इसका आंसर लिखा जाएगा, समझो एक बार, द रिवर्सिबल चेंज विल बी द वन वेयर द पोटर इज शेपिंग द क्ले, रिवर्सिबल चेंज होगा जहाँ पे पोटर क्या कर रहा है, क्ले को शेप दे रहा है, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक द पोट्स, पोट्स को बनाने के लिए, बिकॉज द मोल्ड कैन बी सेट बैक, क्योंकि मोल्ड को क्या किया जा सकता है, सेट बैक किया जाता है, सेट बैक करा जा सकता है वापिस किसके अंदर, क्ले के अंदर, ठीक है, क्योंकि जो मोल्ड है वो वापस किसके अंदर बदल जाएगा, क्ले के अंदर बदल जाएगा, विदाउट फॉर्मिंग एनी एंड प्रोडक्ट, बिना कोई एंड प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, एंड द पोट इज बेक्ड
इज इरिवर्सिबल रिएक्शन और पॉट को जो बेक करने की जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है बेटा? इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि ये क्या होगा आपका वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा चाहे हम इसे तोड़ क्यों ना दें। ठीक है, हाँ लोकेश कोई प्रॉब्लम है? ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर रहेगा इस चीज का। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा। रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा जब वो क्ले को शेप दे रहा है, और इरिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल चेंज या इरिवर्सिबल रिएक्शन रहेगी जब वो क्ले को क्या कर रहा है, जब वो पॉट को बेक कर रहा है। ठीक है, यानी कि रिवर्सिबल के अंदर वो वापस आ सकता है लेकिन इरिवर्सिबल के अंदर वो वापस नहीं आ सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। चलिए देखिए बेटा फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। गिव एन एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। ठीक है, ये क्या है बेटा? गिव एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। ठीक है, आपको क्या देना है, एक एग्जांपल देना है किसके लिए, क्या एक्सप्लेन करने के लिए? लिक्विड्स के अंदर थर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, एग्जांपल आप किसका दे सकते हो बेटा? यहाँ पे देखो, आपको पता है कि जो थर्मोमीटर होता है थर्मोमीटर के अंदर क्या भरा हुआ रहता है? थर्मोमीटर के अंदर मर्करी भरी हुई रहती है। ठीक है, थर्मोमीटर जो होता है उसके अंदर क्या होता है हमारा? मरकरी होता है। ठीक है, तो मरकरी देखो, मरकरी ही हम क्यों भरते हैं? क्योंकि मरकरी अपनी प्योर फॉर्म में एक्सपेंड कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है प्रिसाइजली राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर के साथ। ठीक है, अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो मरकरी एक्सपेंड कर जाएगी, अगर टेम्परेचर फॉल होगा तो मरकरी क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यही प्रॉपर्टी होती है मरकरी की, हम क्या करते हैं इसे थर्मोमीटर प्रिपेयर करते हैं किसके लिए? एक्यूरेटली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, क्योंकि ये लिक्विड क्या कर सकता है? टेम्परेचर राइज होगा तो एक्सपेंड कर जाएगा और टेम्परेचर फॉल होगा तो ये क्या होगा हमारा? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में बेटा? तो ये आपका एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप किसके लिए? थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, इसके लिए थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखिए क्या बोलोगे बेटा यहाँ पे, आप क्या एग्जांपल ले सकते हो? मरकरी। क्या कहोगे? मरकरी इन इट्स प्योर फॉर्म expands and contracts क्या कहोगे बेटा? mercury in its pure form expands and contracts precisely with the rise and fall of temperature. This property of mercury is used to prepare thermometers to measure temperature accurately. ठीक है,
अभी बात समझ में, देखो क्या है बेटा कि मरकरी अपनी प्योर फॉर्म में, ठीक है, क्या बता रही हूँ देखो मैं आपको कि मरकरी अपनी प्योर फॉर्म में क्या कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, मरकरी अपनी प्योर फॉर्म में एक्सपेंड कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ एक्सपेंशन और टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मरकरी की, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी होती है मरकरी की, ये यूज होती है किसके लिए, थर्मोमीटर्स प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी होती है मरकरी की किसके लिए यूज होती है बेटा, थर्मोमीटर्स प्रिपेयर करने के लिए, ताकि टेम्परेचर को एक्यूरेटली क्या किया जा सके, मेजर किया जा सके। ठीक है, ताकि टेम्परेचर को एक्यूरेटली क्या किया जा सके, मेजर किया जा सके। ठीक है, आ गई ये बात समझ में, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मरकरी क्या होता है? मरकरी बेटा एक लिक्विड होता है, ठीक है, वैसे सॉलिड में काउंट होता है, लेकिन ये एक ऐसा मतलब ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है हमारा, लिक्विड होता है, जो शाइनिंग शाइनिंग सा भरा रहता है ना, थर्मोमीटर के अंदर देखा होगा, डॉक्टर थर्मोमीटर लगाते हैं, जो शाइनिंग शाइनिंग लिक्विड होता है वो ही आपका मरकरी होता है। और कुछ बेटा? कुछ बेटा प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन इन नेचर। ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या करना है, एग्जाम्पल बताना है किसका, कंडेंसेशन का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल बताना है, कंडेंसेशन का एग्जाम्पल बताना है किसके अंदर, नेचर में। ठीक है, क्या करना है आपको, एग्जाम्पल बताना है किसका, कंडेंसेशन का, किसके अंदर बेटा, नेचर के अंदर। ठीक है, तो देखिए कंडेंसेशन का एग्जांपल नेचर के अंदर आप क्या बता सकते हैं बेटा, कि जैसे हमारे पास क्या होता है, कोल्ड कैन बॉय। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की जो कैन होती है उसके ऊपर अगर हम उसे रेफ्रिजरेटर से निकाल दें तो कुछ टाइम के बाद उसकी मतलब बॉटल के ऊपर क्या दिखाई देती है, पानी की बूंदे दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, तो पानी की बूंदे कहाँ से आ रही है? ठीक है, देखिए क्या होता है, देखो बेटा वॉटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, जब वो कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, वॉटर वेपर जो एयर के अंदर प्रेजेंट है, जब वो कांटेक्ट में आते हैं कैन के कोल्ड सरफेस के साथ, तो वो क्या हो जाते हैं बेटा, कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होके क्या बना लेते हैं, वॉटर ड्रॉप्स बना लेते हैं। ठीक है, वो कंडेंस होते हैं और कंडेंस होके क्या बना देते हैं, वॉटर ड्रॉप्स बना देते हैं। ठीक है, तो यही आप एग्जाम्पल दोगे बेटा इसके अंदर। ठीक है, देखिए क्या कहोगे, क्या कहोगे इसके अंदर, व्हेन यू टेक आउट ए कोल्ड ड्रिंक कैन
फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। After some time, water drops appear on the outer surface of can because water vapors present in air when comes in contact with the cold surface of the can, they condense to form water drops. ठीक है, क्या बताया? देखो बेटा, यहाँ पे आपने जब हम क्या करते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक की कैन को, ठीक है, जब हम एक कोल्ड ड्रिंक की कैन को रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं, तो कुछ टाइम के बाद हमें क्या दिखाई देते हैं, उसके ऊपर वाटर के ड्रॉप्स दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हमें वाटर के क्या दिखाई देते हैं बेटा? ड्रॉप्स दिखाई देते हैं कैन के ऊपर। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एयर में, ठीक है, क्योंकि वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एयर में, जब वो कॉन्टेक्ट में आते हैं, किसके कॉन्टेक्ट में आते हैं? कैन के कोल्ड सर्फेस के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो वो क्या होते हैं? कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होकर क्या बना देते हैं? वाटर ड्रॉप्स बना देते हैं। ठीक है, वो कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होकर क्या बना देते हैं बेटा? वाटर ड्रॉप्स बना देते हैं। तो इसमें यही आंसर दोगे आप, ठीक है, इसमें क्या दोगे आप? यही आंसर दोगे। ये आपका नेचर के अंदर क्या है? कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है एक तरह से। ठीक है, देखो पानी की बोतल भी तुम फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हो, तुमने डेली लाइफ में भी नोटिस किया होगा कि जैसे पानी की बोतल है, उसे भी अगर हम फ्रिज से बाहर निकाल दें, तो कुछ टाइम के बाद पानी की बोतल के बाहर हमें पानी की बूंदे दिखाई देने लग जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे वाटर वेपर्स होते हैं, वो कोल्ड सरफेस के कॉन्टेक्ट में आते हैं। जब वाटर वेपर देखो कोल्ड सरफेस के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनका क्या होगा? कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होगा तो किसके अंदर बदल जाएंगे बेटा? वाटर ड्रॉप्स के अंदर बदल जाएंगे। ठीक है, जब कंडेंसेशन होगा तो वो किसके अंदर बदल जाएंगे? वाटर की ड्रॉप्स के अंदर बदल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये चीज बता सकते हो यहाँ से। यहाँ तक पहले किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा। इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो जाते हैं। अच्छा, एक आपके वो रह रहे थे ना बेटा, मैच द फॉलोइंग। यस मैम। हाँ, वो देखिए एक बार। देखिए यहाँ पे ड्यू फॉर्मेशन करिए, कंडेंसेशन, ठीक है, आपका लाइटनिंग ऑफ बल्ब रहेगा, केमिकल चेंज, ड्राइंग ऑफ क्लोथ रहेगा आपका, इवोपरेशन, शार्पनिंग ऑफ पेंसिल होता है आपका, इररिवर्सिबल चेंज, और ग्रोइंग ऑफ लिजार्ड रहेगा आपका नेचुरल चेंज। ये कर लीजिए विच मैच द फॉलोइंग।
यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम बेटा? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो पहले। चलिए फिर देखें, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम हमारा। ये नेक्स्ट चैप्टर है बेटा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, आपने पहले थोड़ा सा पढ़ा भी होगा लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर हम चीजें डिस्कस करेंगे जो हमारे चारों तरफ हैं। करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है लिविंग बींग्स की, टेम्परेरी इनएक्टिवेशन क्या होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए बेटा थिंग्स अराउंड अस, ठीक है, हमारे चारों तरफ क्या चीजें हैं। You observe a variety of things in your surroundings. ठीक है, तुमने ऑब्जर्व की होगी वैरायटी ऑफ थिंग्स तुम्हारे सराउंडिंग्स में, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, व्हीकल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, लीव्स हो गए, पेट एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिशेस, ठीक है, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो ये सारी चीजें ये एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, एंड यू कैन रिकोगनाइज देम, और तुम इन्हें क्या कर सकते हो, रिकोगनाइज कर सकते हो, पहचान सकते हो। ठीक है, but still some of them exhibit common properties, लेकिन फिर भी इनमें से कुछ एक हैं जिनकी क्या है बेटा, common properties हैं। ठीक है, इनमें से कुछ एक हैं जिनकी क्या है, common properties हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले observe a cat or a dog। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, cat या dog को observe करना है। ठीक है, क्या है हमारे पास, इट ईट्स फूड, रन्स, प्लेज, बार्क्स, कम्स नियर व्हेन यू कॉल फॉर फूड। ये क्या करता है, चाहे आपकी कैट हो चाहे डॉग हो, ये खाना भी खाते हैं, दौड़ते भी हैं, खेलते भी हैं, भौंकते भी हैं, और कम्स नियर व्हेन यू कॉल फॉर फूड, जब हम खाने के लिए बुलाते हैं तो ये पास भी आ जाते हैं। ठीक है, ये ग्रो भी करते हैं, रेस्पायर, सांस भी लेते हैं, एक्सक्रीट भी करते हैं, शेल्टर भी ढूंढते हैं यानी कि रहने के लिए जगह है, और यंग वंस भी प्रोड्यूस करते हैं अपनी तरह के। ठीक है, तो डू यू थिंक दैट अदर एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स आल्सो शो मोस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज। अब क्या तुम ये सोचते हो कि जो दूसरे एनिमल्स हैं, ठीक है, बर्ड्स या इंसेक्ट्स, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, वो भी क्या करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज इसमें से क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में इतनी। उसके बाद देखिए बेटा ऑब्जर्व प्लांट्स, प्लांट्स को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, प्लांट्स लुक डिफरेंट बट इफ यू ऑब्जर्व देम डेली एंड केयरफुली, प्लांट्स डिफरेंट दिखते हैं लेकिन अगर तुम इन्हें केयर ऑब्जर्व करते हो डेली और केयरफुली तो तुम्हें क्या मिलेगा कि इनके अंदर भी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हैं लेकिन कुछ डिफरेंट मैनर में। ठीक है, इन्हें भी पानी और सनलाइट की जरूरत है। ठीक है, इसके लिए खाना बनाने के लिए, ये भी मूव करते हैं ब्रांचेस को, ब्रांचेस इनकी मूव करती हैं, लीव्स फोल्ड करती हैं, और फ्लावर्स ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, रेस्पायर करते हैं, ट्रांसपायर करते हैं, किसके लिए, टू लिबरेट और एक्सक्रीट वाटर एंड CO2, CO2 और वाटर को या तो लिबरेट करने के लिए या एक्सक्रीट करने के लिए। ठीक है, ग्रो भी करते हैं और यंग वंस भी प्रोड्यूस करते हैं अपनी तरह के। ठीक है, तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं बिल्डिंग्स को, फर्नीचर को, बुक्स को, व्हीकल्स को। ठीक है, ये इस तरह की एक्टिविटीज दिखाते हैं क्या, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स दिखाते हैं? ठीक है, नहीं दिखाते। तो यहाँ पे क्या है, देखो, हाँ जी बेटा बोलिए। हाँ जी रुपेश मैम, ये फिलिंग द नेक्स्ट द फॉलोइंग, फिर से दिखाना। ठीक है बेटा, लाइटनिंग ऑफ बल्ब, केमिकल चेंज, ड्यू फॉर्मेशन, कंडेंसेशन, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, इवापोरेशन, शार्पनिंग ऑफ पेंसिल, इररिवर्सिबल और ग्रोइंग ऑफ लिजार्ड, नेचुरल चेंज।
ठीक है बेटा, ठीक है रुपेश। यस ठीक है, आगे देखिए बेटा। फिर हमारे पास क्या होता है, तो कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं कैजुअली, लेकिन यहाँ पे मैनी मोर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं चीजों को दो ग्रुप्स के अंदर, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग थिंग्स के अंदर हमारे क्या आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर हमारे क्या आते हैं बेटा, व्हीकल्स आते हैं, बिल्डिंग्स आती हैं, ब्रिक्स, ईटे आती हैं, टॉयज आते हैं, फर्नीचर्स आते हैं, बुक्स आती हैं, पेंसिल्स आती हैं। ठीक है, तो आई इतनी ये बात समझ में। हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, दो तरह के हमारे पास थिंग्स होती हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो बाकी इस चैप्टर को हम कल पढ़ेंगे, क्या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग बींग्स की। ठीक है, क्या उसके अंदर टेम्परेरी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हम कल रीड करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।